वेलकम टू एडू फंडा आई एम योर मेंटर ऑफ टूडेज टॉपिक मैट्रिसेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैट्रिसेस। देखो इस सेशन में हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे क्या होता है मैट्रिसेस इंट्रोडक्शन एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में वाई डू यू यूज मैट्रिसेज अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू वन होगा किसी भी मेथड से अगर आप सॉल्व करते जैसे कि हमने बेसिक मेथड सीखा था क्लास 8 में कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते करते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेट अस सी फाइव फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव अब देखिए इस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू निकालना टफ है तो इसी ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ते हैं उससे क्या होता है मैट्रिक्स मेथड से ऐसे लिनियर इक्वेशंस इजीली सॉल्व होते हैं सो मैट्रिक्स मेथड आर यूज टू सॉल्व लिनियर इक्वेशन इन थ्री और मोर वेरिएबल्स। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल इन आवर रियल लाइफ मैट्रिसेस आर यूज इन रोबोटिक्स बिजनेस इकोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन एटीसी ट इज मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता में होती है और इमेजनरी पार्ट्स होती है तो देखिए रियल पार्ट्स क्या है जैसे कि माइनस टू माइनस वन पॉइंट फाइव ये रियल नंबर होते हैं और इमेजनरी नंबर क्या होते हैं माइनस टू आयोडा माइनस आयोडा 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 रूट थ्री तो मैट्रिक्स इज एन अरेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अरेक्टेंगुलर एरे ऑफ जोन्टल लाइंस, होरिजोनटल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स. तो देखिए दैट इज अगर हम देखें तो यहां पे देखिए तीन हॉरिजोनटल लाइंस हैं, तीन वर्टिकल्स लाइंस हैं तो इसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं ठीक है तो मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है वन टू थ्री फर्स्ट रो की एलिमेंट है फोर फाइव सिक्स सेकेंड रो की एलिमेंट है सेवन एट नाइन थर्ड रो की एलिमेंट है द द ऑफ ऑफ नंबर मैट्रिक्स इज बाय ब्रैकेट और ब्रैकेट देखिए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं अरेंजमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ब्रैकेट्स का यूज करके आप मैट्रिक को नोटिफाई करते हैं इन जनरल मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाई एबीसी नंबर

वर्टिकल नंबर इन कॉल्ड कॉलम देखिए एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पे टू थ्री टू थ्री फोर फाइव एक मैट्रिक्स है टू बाई टू का मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो की एलिमेंट है टू थ्री और सेकेंड रो की एलिमेंट है फोर कोमा फाइव तो देखिए यहाँ पे जो ये लाइंस है देखिए ये रो को दिखा रहा है और दूसरी लाइंस देखिए नेक्स्ट जो लाइन आ रही है वो कॉलम्स हैं तो यहाँ पे दो रो और दो कॉलम्स की मैट्रिक्स को मैंने दिखाया है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स तो इसे ही मैट्रिक्स बोलते हैं नोटेशंस ऑफ रोज एंड कॉलम नोटेशंस ऑफ रो एंड कॉलम क्या होता है देखिए यहाँ पे नोटेशंस ऑफ रो और कॉलम को कैसे नोटिफाई करते देखिए ये आर वन है रो वन और ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर टू है रो टू थर्ड होरिजेंटल लाइंस जो है ये आर थ्री है अब वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। देखिए फर्स्ट वर्टिकल लाइंस को कॉलम वन है सेकेंड वर्टिकल कॉलम टू है थर्ड लाइंस कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देखिए मैट्रिक्स विद एम रोज एंड कॉलम इज सेन देखिए इसको रीड क्या करते हैं इसको एम क्रॉस n रीड नहीं करते रीड करते को हम ये भी कहते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स और साइज ऑफ मैट्रिक्स इफ देखिए यहां पे एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो देखिए हाउ मेनी रोज देयर यहाँ पे कितने रो हैं तो देखिए यहाँ पे तीन रो है ये एक वर्टिकल लाइन ये दूसरी वर्टिकल लाइन ये तीसरी वर्टिकल लाइन नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं देखिए यहाँ पे तीन रेड लाइन्स है तो ये तीन रो, ये तीन तीन रो रो है है जितने भी है, वो रो को रो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे देखिए वर्टिकल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू थ्री हाउ मेनी कॉलम आर देयर तो देखिए यहाँ पे जो कॉलम होते हैं उसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं देखिए वर्टिकल लाइन क्या नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन क्वल टू थ्री तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम की जो वैल्यू होगी वो भी थ्री होगा क्या होगा? देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा थ्री बाई थ्री तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई एक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एम बाई एन देखिए यहाँ पे इस इस मैट्रिक्स को अगर हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना होता तो उसको क्या लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज और आई की वैल्यू जो है यहाँ पे जे की जो वैल्यू है जे इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम नंबर एन इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम एन क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल कितने कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स में एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए आई जे मैट्रिक्स अगर हम इसके मतलब जो है, को दिखाता है और ये कॉलम नंबर को दिखाता देखिए ए वन वन इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम अगर वन टू लिखो तो देखिए यहां पे ए वन टू का क्या मतलब ए वन टू हेयर ए वन टू इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड सेकेंड कॉलम अगर ए वन थ्री देखे तो हेयर ए वन थ्री इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम अब देखिये ए वन एन का क्या मतलब ए वन का मतलब है ये फर्स्ट रो और कॉलम की एलिमेंट है यह तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं तो देखिए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री अप टू ए वन एन ए टू एन टू वन ए टू टू अगर आप ऐसे ही देखें तो ए एम वन ए एम टू एम थ्री ए एम एम तो ये जो है यहाँ पे कितने रो है देखिए एम रो है अगर मैं यहाँ पे कॉलम की बात करूं तो देखिए कॉलम कितने हैं टोटल एन कॉलम है तो इसकी इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा देखिए एम यहाँ पे जो ऑर्डर है एम बाई एन है वहां पे क्या है नंबर ऑफ रोज एन क्या है नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज का क्या मतलब है नंबर ऑफ होरिजोनटल लाइन्स नंबर ऑफ कॉलम का क्या मतलब है नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स आई होप दिस सेशन वॉज प्रोडक्टिव फॉर यू थैंक यू